दोस्तों, एक ऐसा देश जहां खूबसूरत लड़कियों का बाजार लगता है। हम आपको ये बाजार कहां लगता है और क्यों लगता है इसकी पूरी जानकारी देंगे, तो कृपया आप वीडियो के अंत तक बने रहें। वियतनाम को भारत का एक बड़ा सहयोगी देश कहा जाता है। वियतनाम एक ऐसा देश है जहां कछुओं को भाग्य और अच्छा स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। एक ऐसा देश जहाँ लोग अपने नाम से पहले यामही और होचिनी लगाना पसंद करते हैं। यहाँ के लोग कारों से ज़्यादा बाइक चलाना पसंद करते हैं। यही कारण है कि यहाँ की आबादी के लगभग 80% लोग मोटर बाइक चलाना पसंद करते हैं। वियतनाम एक ऐसा देश है जो 1200 साल तक गुलाम रहने के बावजूद अपनी संस्कृति को बचाने में कामयाब रहा था। वियतनाम एक बुरी आदत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग कुत्तों और बिल्लियों का मांस खाना पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि बड़े कुत्तों की अपेक्षा छोटे कुत्तों का मांस अधिक अच्छा होता है। वियतनाम में एक अजीब प्रकार की शराब मिलती है। इस शराब को एक बोतल में सांप और बिच्छू के साथ चावल आदि रखकर तैयार किया जाता है, और सांप के जहर का असर खत्म करने के लिए एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इस शराब को स्नेक वाइन के नाम से जाना जाता है। इस देश के लोगों का मानना है कि वो आम इंसानों के जैसे नहीं हैं। उनके अनुसार वियतनामी लोग एक अमरक चीनी राजकुमारी और समुद्र देवता के मिलन से पैदा हुए हैं। वियतनाम में रोज नाम की कॉफ़ी काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसको अंडे के जूस और कॉफ़ी को मिलाकर तैयार किया जाता है। वियतनाम में नया साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। वियतनाम का मानना है किसी दिन वियतनाम ने चीन से आज़ादी हासिल की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वियतनाम की सांडो गुफा दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है। इस गुफा को 1991 में खोजा गया था, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर, चौड़ाई 150 मीटर और ऊंचाई 200 मीटर है। इस गुफा के अंदर 60 मीटर ऊंची कैल्साइट की दीवार है, जिसे वियतनाम की महान दीवार कहा जाता है। वियतनाम एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका के 6000 सैनिक मारकर अमेरिका से युद्ध जीत लिया था। 1955 से 1975 तक ये लड़ाई चली, और इस युद्ध में अमेरिका ने नई तकनीकी का इस्तेमाल किया था, जिसमें वियतनाम के लगभग 3 लाख लोगों की जान गई थी। वहीं वियतनाम ने गोरिल्ला तकनीक को अपनाया था, जो ज़्यादा कारगर साबित हुई, और वियतनाम ने इस युद्ध को जीतकर पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया था। इस युद्ध को वियतनाम वार के नाम से भी जाना जाता है। वियतनाम का लव मार्केट काफ़ी फेमस है, जहाँ लड़का और लड़की अपने पसंद के साथी चुनते हैं और खूब मजे उड़ाते हैं। वियतनाम में देह व्यापार गैरकानूनी होने के बावजूद यहाँ की 70,000 महिलाएं इस काम को अंजाम देती हैं। वियतनाम उन चुनिंदा 5 देशों में से एक है जहाँ अत्यधिक मात्रा में धूम्रपान किया जाता है। वियतनाम दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। यहाँ के लोग हाथी की सवारी करना पसंद करते हैं। वियतनाम 46वां सबसे घनी आबादी वाला देश है, जिसकी जनसंख्या लगभग 9,35,00,000 है। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर होचीमान शहर है, जिसकी आबादी लगभग 80,00,000 से अधिक है, और दुनिया भर में यहाँ की संस्कृति की मिसाल दी जाती है। तो दोस्तों, ये था वियतनाम। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।